Yes, ma'am. Can anyone explain this thing to me? कि what are birds? Birds क्या होती है? Yes, Navika, आप बोलना चाहते हो? Navika, are you raising your hand? Be active in the class. अगर कोई भी चीज पूछती हो तो ये तो normal चीज है. Birds को सबने देखा है ना? Yes, ma'am. सबको पता है birds कैसी होती है. Yes, ma'am. And if I ask you to explain, कि आपको बर्ड को एक्सप्लेन करना है तो बर्ड्स में क्या क्या होता है आप बता सकते हो? Yes, ma'am. चलो जितने बच्चे क्लास में अभी प्रेजेंट है हर बच्चा मुझे एक एक करेक्टरिस्टिक बताएगा बर्ड की. जानवी, आई स्टार्ट फ्रॉम यू. यस जानवी, बर्ड की कोई भी एक करेक्टरिस्टिक बता दो कि बर्ड कैसी होती है, उसमें क्या होता है, वो क्या कर सकती है, एनीथिंग. बर्ड उड़ सकती है बर्ड्स और उड़ सकती अलग है. अलग तरह की होती है. और क्यों उड़ सकती है बर्ड्स? क्योंकि उनके विंग्स होते हैं. उनके विंग्स होते हैं और बाकियों के जिनके विंग्स नहीं होते वो नहीं उड़ सकते. हितेंद्र, सेकंड करेक्टरिस्टिक. बर्ड के बीक्स होते हैं. यस, चोंच होती है और चोंच सिर्फ चिड़िया की ही होती है. क्लियर? एनिमल्स के चोंच होती है क्या? नो मैम. या फिर ह्यूमन बींग की होती है? दिस इज द सेकंड करेक्टरिस्टिक की बर्ड्स के बीक्स होती है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सत्येंद्र. बर्ड कैसी होती है? अभी आयो तभी तो मैं पूछ रही हूँ. बर्ड को तो आपने पहले देखा होगा. बता दो बर्ड्स कैसी होती है. ये लेट आने का पनिशमेंट है सत्येंद्र. अटैक. खुशवंत कैसी होती है बर्ड्स? अच्छा, बर्ड्स के लेग्स होते हैं क्या? यस मैम. यस मैम. लेग्स होते हैं. लेग्स? यस मैम. यस मैम. क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं या फिर लेग्स होते हैं? हमारी तरह पैर होते हैं या क्लॉज होते हैं? पंजे. पंजे होते हैं जिससे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकती है या फिर जो भी फूड, जो ग्रेन वो खाती है उसको इजीली वो उसको पकड़ सकती है, होल्ड कर सकती है. क्लियर? सॉरीश. यस, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक. और क्या क्या होता है बर्ड में? बुक आपके सामने है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है. गूगल, आप लोगों को पता ही है कि गूगल पे सब कुछ मिलता है. मैं आपको बोलती भी हूँ. बर्ड के क्या, आप लोग इतनी बार आपने बर्ड्स को देखा है. अभी हमने हिंदी में पिकॉक चैप्टर भी पढ़ा है. बर्ड कौन रहे? हाँ तो बताओ मुझे उसकी करेक्टरिस्टिक. लेट मी नो. जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले से उसके बारे में कितना जानते हैं. यस सतेंद्र. मैं ना आज यहाँ एक ऐसी बर्ड होती है जो ना फास्ट भागती है बहुत ज्यादा, जिससे हमको लगता है कि वो उड़ रही है. कौन सी बर्ड होती है ऐसी? मैम मेरे को पता है. ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच. सबसे बड़ी बर्ड है और वो सबसे सबसे बड़ी बर्ड होती है. उसके विंग्स भी होते हैं लेकिन उसकी बॉडी का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ नहीं पाती. उड़ नहीं पाती. हमको लगता है कि वो उड़ रही है. मैम टर्की भी होता है ना? टर्की भी होता है, एमू भी होता है. देन देयर आर सो मेनी अदर बर्ड्स आल्सो. अगर आप केबीसी देखते हो तो कल केबीसी में भी एक बर्ड को शो किया था जिसे जो सिर्फ रन करती है एंड बेसिकली अमेरिका में वो पाई जाती है. सॉरीश, व्हाट यू आर डूइंग बेटा? आई आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, अभी तक आप मुझे आंसर नहीं मिला उसका. ओके, अभी मैं पहले आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक बर्ड से रिलेटेड एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप उन बर्ड्स को देख पाओ
जो आपने अभी तक नहीं देखी है, मतलब नॉर्मल बर्ड्स, स्पैरो हो गई, पिकॉक मैम। या फिर पीजन, ये सब तो आपने देखे हैं, बट कुछ ऐसी बर्ड्स है जो हमारे यहाँ पे होती भी नहीं है और वो बाहर वाले देशों में रहती है। यस, व्हाट हैपन? एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ पूछना है? एक बर्ड ऐसी होती है जो उल्टा उड़ सकती है। उल्टा उड़ सकती है, क्या नाम होता है उसका? एच ए ऐसा कुछ था। मैंने तो पहली बार ये चीज सुनी। मतलब अगर आपको वाकई उसके बारे में पता है तो नेक्स्ट टाइम आप और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें क्लास में बताना। सबसे छोटी बर्ड का नाम पता है आपको? सबसे मैम स्पैरो, छोटा? नहीं, मैम स्पैरो, स्पैरो से भी छोटी एक बर्ड होती है। तो और पता है उसका साइज कितना होता है उस बर्ड का? ऑलमोस्ट आपका जो एक कॉइन होता है ना, उसके जितना साइज होता है। कीवी मैम नहीं, कीवी, कीवी तो काफी कीवी बड़ी होती है। मैम कीवी तो इतनी होती है, इतनी मतलब मैंने कहा कि ऑलमोस्ट वो इतनी सी होती है वो बर्ड, एंड छोटी। दैट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। आप लोगों ने करंट अफेयर्स में या जीके क्वेश्चंस में नहीं पढ़ा क्या? आप लोगों को लास्ट ईयर जीके में कराया होगा। मैम बॉर्डर चैप्टर तो था लेकिन उसके अंदर ये नहीं पता था कि कौन सी स्मॉलेस्ट। देखो, लिसन वन थिंग, हमारे चैप्टर में जो चीज होती है वो हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन हम लोग किसी टॉपिक को गेट बंद इसलिए करो पढ़ते मम्मी, हैं। गेट सना, मैंने क्या बोला था जब क्लास स्टार्ट हुई थी? सो व्हाट हैपन, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमें एक्स्ट्रा नॉलेज या तो हमारे अपने पेरेंट्स से लेनी होती है या फिर अपने आसपास जो लोग रहते हैं या फिर आप नेट पे सर्च करो। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती जाती है। अदरवाइज आप सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे तो दैट इज नॉट वर्थ वाइल। उससे ज्यादा भी, मतलब उससे ज्यादा जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। मार्क्स लाने से पहले समझना पड़ता है, बाद में मार्क्स आएंगे। समझो, और उसके आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमें ये चीज, मतलब इसके बारे में और आपको पता चले। और वो क्यूरियोसिटी क्या होती है, हिंदी में हम उसे जिज्ञासा बोलते हैं, कि किसी भी चीज को जानने की जो इसको होती है ना, कि बस ये चीज पता चल जाए उसके बाद मैं दूसरा काम करूं। तो वो जिसमें क्यूरियोसिटी होती है वो इंसान बहुत आगे जाता है। नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट वन वीडियो। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता होना जरूरी है कि बर्ड्स क्या होती है। मुझे अभी तक सिर्फ तीन चार चीजें सुनने को मिली है और सौरीश ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। यस मैम, पढ़ता ही नहीं तो है कुछ इतनी देर में कुछ तो याद आया होगा। मैम। मैंने एक बार शायद जीके में पढ़ा था, दिल्ली में जो स्पैरो होती है वो राष्ट्रीय पक्षी है, ऐसा कुछ पढ़ा था मैम मैंने। बेटा, राष्ट्रीय पक्षी पूरे कंट्री का एक ही होता है, एंड दैट इज पिकॉक ओनली। यस मैम, पढ़ा था ऐसा कुछ, मिला तो ऐसे ही था। राष्ट्रीय पक्षी अलग होता है, स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट बर्ड दूसरा हो सकता है, राज्य पक्षी जो हर अपने हर राज्य का डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? होगा नाउ फर्स्ट यू सी हियर, ये आपका बर्ड्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। ओके, थ्री बर्ड्स की पिक्चर इसमें दी हुई है। फर्स्ट वन इज स्पैरो, पैरो, देन पीजन, देन पैरट। पैरट। तीनों बर्ड्स को आप लोगों ने देखा हुआ है और इनके अलावा भी कई सारी बर्ड्स हैं जिनको आप जानते हो या आपने उनके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, सो बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। दे आर फाउंड एवरीवेयर। वी सी अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स अराउंड अस। दे हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। अब इनके डिफरेंट शेप, साइज और कलर भी होते हैं, एंड इसके साथ ही अलग अलग ये जगह पे रहती भी है। जैसे कुछ बर्ड्स होती है जो बहुत ठंडी जगह पे रहती है। कैन यू गिव मी वन एनी एग्जाम्पल? ठंडी जगह पे रहने वाली पेंगुइन देखी है? पेंगुइन, वो कहाँ पे? यस एकदम बर्फ मैम, वाली जगह पे वो रहती है।
कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो नॉर्मली जहाँ पे बहुत गर्म मतलब एनवायरनमेंट होता है वहां पे सरवाइव कर सकती है. तो जिस जैसी जगह पे ये रहती है वैसे ही इनकी अडेप्टेशन होती है, वो उसी टाइप से मतलब उसी जगह पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है. अगर पेंगुइन को यहाँ राजस्थान में लाके रख दिया जाए तो वो यहाँ पे जंगलों में ही रहते हैं. हाँ, पिकॉक जंगलों में रहते हैं और नॉर्मली बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे पिकॉक भी सरवाइव नहीं कर सकता है. तो इन लोगों का भी अपने मतलब एनवायरनमेंट जो होता है रहने का वो डिफरेंट होता है. अपने यहाँ पे पेंगुइन नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म है. राजस्थान गर्म जगह है, यहाँ पे पेंगुइन सरवाइव नहीं कर सकते. Now these are few characteristics from the birds. Birds की कुछ characteristics यहाँ पे दी हुई है. First one is birds like all other living beings need food to survive. उसको भी जीने के लिए खाने की जरूरत है. Then they do not have teeth like other animals to chew food. उनके दांत नहीं होते कि वो खाने को चबा सके, वो सिर्फ चोंच से उस चीज को निगलती है. Then they have beaks and क्लॉज, उसके चोंच होती है, पंजे होते हैं. दे यूज देयर क्लॉज टू कैच एंड होल्ड देयर फूड, और वो उसके पंजों को यूज में लेती है ताकि वो उसके फूड को कैच कर सके, मतलब अगर वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है तो उनको कैच कर सके और साथ ही उसको होल्ड करके रख सके. दे यूज देयर बीक्स टू ईट फूड एंड टू मेक नेस्ट, वो घोंसला भी बनाती है तो उसके लिए वो अपने बीक को यूज में लेती है. Then they also use their beaks and claws to protect themselves. अगर कोई उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करे तो वो किससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी चोंच से और उसके पंजों से. Some birds eat flesh while other eat grains, fruits and seeds. कुछ बर्ड्स होती हैं जो कार्निवोरस बर्ड्स होती है या स्कैवेंजर्स में आती हैं, वो फ्लैश भी खाती हैं, और नॉर्मली बर्ड्स होती हैं जो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती ही है. यस, वल्चर इज देयर. ईगल होती है, वो भी जैसे रैट्स को खाती है, और क्रो होता है, वो ग्रेन्स भी खाता है साथ में मरे हुए एनिमल्स. देन बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स के विंग्स और फेदर्स होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकती है. Now one important thing, जो birds होती है उनकी जो bones होती है, पहली चीज तो उनके backbone होती है, जैसे हम लोगों के backbone है वैसे उनके भी backbone होती है. But the main thing is that कि उनकी जो bones होती है वो अंदर से hollow होती है. Hollow means? What do you mean by hollow? दबी भी होती है. नहीं, hollow हम बोलेंगे मतलब अंदर से खोखली होती है. It means कि समझ में आ गया आप लोगों को खोखली होना क्या होता है? मीन्स अंदर से खाली होती है, वो ज्यादा वेट में नहीं होती है. हमारी बोन्स होती हैं वो हैवी होती हैं, बट उनकी बोन्स होती है और उसी वजह से उनकी बॉडी का वेट कम होता है और वो उड़ सकती है. एंड जस्ट लाइक अस, वो भी वार्म ब्लडेड होती है, मतलब उनका जो खून होता है वो गर्म होता है. क्लियर? अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36-37 डिग्री टेम्परेचर होता है नॉर्मली. Just because of our blood, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो करता है. स्क्रीन में दिख रही है. स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया बेटा. क्लियर? नाउ आई वॉन्ट टू शो यू सम, चलो मैं वीडियो आपके लिए ऑन करती हूँ. अभी स्टार्ट नहीं होगा मेरे को वो. लेट मी ट्राई फर्स्ट. मैम, हमिंग बर्ड उल्टा उड़ता है. नहीं, हमिंग बर्ड उल्टा नहीं उड़ती है बेटा. हमिंग बर्ड सीधी ही उड़ती है. कोई भी बर्ड उल्टी उल्टी नहीं उड़ सकती. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. मैम ये देखो. अच्छा, हमिंग बर्ड ना गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. भारती, टुडे आल्सो यू आर लेट. यस मैम. तो आपको पता है ना 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है. यस मैम.
स्कूल में ऐसा चलता है क्या? तो अभी लाइव क्लासेस चल रही है तो ये आपके स्कूल की तरह ही है? सॉरी मैम, स्कूल स्टार्ट नहीं होती तब तक ये आपके स्कूल ही है, क्लियर? यस नाउ लिसन केयरफुली। एक सेकेंड में जो हमिंग बर्ड होती है 15 to 16 टाइम्स अपने फेदर को, मतलब अपने पंखों को हिला पाती है। तो एक सेकेंड में मतलब कितनी जल्दी वो अपने पंखों को हिलाती है, और जब वो अपने पंखों को हिलाती है तब क्या होता है कि एक बजिंग साउंड आता है, जैसे मधुमक्खी कैसे साउंड करती है, तो वो इतनी फास्ट वो अपने पंखों को हिलाती है तो जिससे एक अलग तरीके का साउंड आता है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, नाउ यू कैन सी द वीडियो। थोड़ा सा ही टाइम बाकी है तो मैं चाहती हूँ कि इन केस हो सकता है कि टाइम खत्म हो जाए और आपका वीडियो ऑफ हो जाए, क्लियर? तो आर यू ऑल रेडी? यस मैम। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब वीडियो चले अगर आवाज जितनी आ रही है वो उतनी ही आएगी, उसको मैं और रेज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो उतनी ही आवाज में वो वीडियो है। एंड सेकेंड थिंग, जब भी मैं वीडियो ऑन करूं उसके बाद प्लीज बैकग्राउंड में कोई बात मत करना, क्लियर? मैं यहाँ पे सबको चेक कर रही हूँ, अगर आप लोगों का हल्का सा भी आवाज आता है तो यहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मुझे मत बोलना वॉल्यूम करो या कुछ भी करो। ऑलमोस्ट 8 minutes 30 seconds का ये वीडियो है, सो सी इट। बर्ड्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स की बर्ड है, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप सिर्फ ध्यान से देख लो। एंड इवन इफ योर फैमिली मेंबर्स, आपके कोई छोटे भाई बहन भी देखना चाहते हैं तो उनको भी साथ में बैठा लो, ठीक है? बट आवाज नहीं होनी चाहिए। Shall I start? Yes, ma'am. और बीच बीच में मैं सबको चेक कर रही हूँ, किसी के बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। Different kinds of birds. Okay, ma'am. They come in all sizes, shapes, and breeds. Some live on water and others on land. Some live in very cold places, while others live in extremely hot. But all birds have certain characteristics in common. Birds have feathers. The feathers help most birds fly. They also keep them warm. Feathers are water resistant, which helps keep a bird dry when it's raining or when they land on water. Birds have two legs and two wings. Even birds that don't fly, like the emu, ostrich, kiwi, and penguin, still have wings. All birds have a beak or bill. The beak is used for moving things, eating, preening, which is how a bird cleans itself, feeding their young, and for killing their prey. All birds lay eggs, which produce baby birds. All birds are warm-blooded and have backbones, just like you and other mammals. The smallest bird on Earth is the hummingbird. It weighs less than a nickel. Its eggs are the size of a pea or a chili bean. A hummingbird's heart rate is more than 1,200 beats per minute, which is incredibly fast. Your heart rate is only 60 to 100 beats per minute. The hummingbird's wings flap at an average of 10 to 15 times in a single second. They move so quickly that they make a small buzzing sound. When a hummingbird dives, it can reach speeds up to 60 miles per hour. The largest bird on Earth is an ostrich. An ostrich's eyes are about the size of a billiard ball, which is bigger than its brain. An ostrich is the world's fastest animal on two legs. The fastest human, Usain Bolt, is an Olympic gold medalist. His fastest speed is 27.8 miles per hour. But if an ostrich or Usain Bolt had a race, the ostrich would win the gold medal. It can run up to 43 miles per hour. It's a good thing the ostrich can run fast, because even though it has wings, it cannot fly. Some birds like emus, ostriches, burrowing owls, and kiwis live on land, while other birds like penguins, gulls, ducks, geese, and swans live on or near water. Some birds live in very cold climates like the Arctic. These birds include the snowy owl, the peregrine falcon,
the Arctic tern, and the puffin. The puffin is sometimes referred to as the clown of the sea because of its brightly colored bill. Other birds live in tropical climates. The rainforest is home to many beautiful and colorful birds, including toucans, macaws, and parrots. Not all birds eat the same things. Swallows prefer insects, but also eat berries. Bluebirds eat berries too, as well as nuts. Female bluebirds eat bits of eggshells when they need extra calcium to make eggs of their own. Other birds, like the bald eagle, are carnivores, meaning they live on meat, like mice, rodents, and fish. The pelican also eats fish. It uses the pouch under its beak to scoop up the fish like a fishing net. Most of a bird's body is made up of feathers and hollow bones. The bones don't weigh very much. Their light bones and strong muscle help them to fly for long periods of time. Birds' wings are useful for diving and swimming. Some birds must always flap their wings to stay aloft. But one bird, called the kestrel, can hover like a helicopter. Let's take a closer look at some birds you may have seen or heard of. The bald eagle is a beautiful bird. It has strong legs, feet, and talons. It is the national symbol of the United States. It was chosen to symbolize the strength and freedom of America. The bald eagle is an important bird of Americans. If anyone were to hurt one, the blue jay is a song known for its intelligence. It can mimic the sounds of the bird. They do this to warn other blue jays of danger or to scare other birds away from a meal they want. There are hundreds of different species of owls. They have been known to swallow smaller animals like a mouse. Owls then throw up pellets, which are animal bones and fur that they could not eat. Some ducks sleep with one eye open. When they sleep in groups, the ducks on the outside of the group keep one eye open to keep a watch out for predators. The woodpecker is very small, but powerful. There are several different types of woodpeckers. Acorn woodpeckers make holes in trees, utility poles, and buildings so they can leave acorns there. Thousands of acorns can be stored in a single tree with each in its very own hole. Ravens can mimic the sounds of animals like foxes or wolves. They do this to attract the predator to an animal's carcass. Then the predator will break it open for them and they can have the leftovers. Ravens are not likely to learn any human words out in the wild. However, if they were kept as a pet, they can. Some ravens are even better than parrots at imitating human speech. They can also mimic sound like a car's engine or a toilet flushing. Homing pigeons can find their way back home. They were used for years to carry messages back and forth to people. They delivered important military information during World War II. They were also used during the early Olympic Games to fly through villages carrying messages of who won each event. While penguins might stand out on land, underwater, their coloring is a kind of camouflage. As they swim, their black backs blend in with darker ocean water below, making it harder to spot them from above. And their white chests help them blend in with the lighter surface of the water, making them nearly invisible from below. However, on land, their black bodies stand out against the white landscape. But the penguin doesn't have many predators on land, so there is no need for them to be camouflaged there. Here are some other cool facts about birds. Birds flying south during the winter time because they are warmer than you are. They do it to escape the cold. This is called migration. It may not be that different from you and your family escaping to Hawaii or another warm location during a cold winter. Huh?
is the closest living relative to the Tyrannosaurus rex. Many birds kept as pets, including doves, parakeets, and lovebirds, enjoy living in pairs for companionship. And then there's the peregrine falcon, the fastest bird on Earth, historically known as the duck hawk in North America. It can dive at speeds of up to 240 miles an hour. From their vibrant colors to their magnificent wingspan to the peaceful melodies they sing to welcome each day, birds are unique creatures that add beauty and diversity to our environment. कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा था। इतनी सारी बर्ड के बारे में आपने देखा, मतलब कुछ साइज में बहुत छोटी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ मतलब सबके अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। किसी के जो बीक्स है उनका साइज बहुत छोटा होता है, कुछ बर्ड्स का बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसका था? फिटिंग बर्ड थी जिसके बीक के नीचे में एक मतलब बैग टाइप होता है, तो जब भी वो फिश खाती है तो वो उसके बैग में जाके स्टोर हो जाता है, क्लियर। और फिर बाद में वो जब उसे टाइम मिलता है तब वो उसको इजीली मतलब वो वहां स्टोर करके बाद में अंदर ले लेती है। और नॉर्मली क्या होता है कि अपने बीक से ही ये अपने इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो चूजे होते हैं, उनको वो खाना खिलाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीक्स खाना खाने के लिए यूज में लेती है, वो अपने बीक्स में खाने को स्टोर भी करती है और फिर उसे निकाल के मीन्स जहाँ वो स्टोर करके रखती है वहां से निकाल के वो अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है, क्योंकि जब तक वो नेस्ट में होते हैं, छोटे होते हैं, तब तक वो खुद खाना नहीं खा पाते हैं। तो दिस वीडियो मैं इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, वहां पे आप थोड़ा और वॉल्यूम रेज करके इसको सुन सकते हो, क्लियर। और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो ऑडियो था उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है बर्ड्स के बारे में, इवन मतलब सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें बताई गई है। तो इट्स बेटर कि आप इन बर्ड्स के नाम जानो और इनके बारे में कि किसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है या किसमें क्या चीज स्पेशल है, क्लियर। आज सिर्फ हमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करना है कि बर्ड्स में क्या क्या क्वालिटी होती है, इससे रिलेटेड कोई भी रिटर्न वर्क मैं आज नहीं दे रही हूँ, क्लियर। एंड अलोंग विथ दिस हमें मैथ्स में टाइम चैप्टर स्टार्ट करना है। ऑलरेडी हम अभी लास्ट हमने मेजरमेंट किया था वो कंप्लीट हो चुका है, पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो भी आपके एनुअल में रिपीट होगा जो हम कर चुके हैं। सो टाइम इज द लास्ट यूनिट इन योर मैथ सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड में एक छोटा सा वीडियो है 4 मिनट्स का, वो मैं आपको वो भी मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी, इवन आपके स्टूडेंट पोर्टल और यूट्यूब पे भी सेंड करूंगी, तो आप उसको देखना और उसके बाद हम समझेंगे कि टाइम को हम कैसे देखते हैं और कैसे हम उसको बोलते हैं और कितने तरीके से हम टाइम को लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ एनी क्वेश्चन? आज मैंने एक वो आप लोगों का कंपटीशन का रिजल्ट मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, रयान और जानवी, पहले इनके लिए दोनों के लिए क्लैपिंग कर लो। क्लैपिंग करने में इतनी कंजूसी, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है, बस एक हितेंद्र के क्लैपिंग की आवाज आ रही है, बाकी नहीं कर रहे हो क्या? तो एक और पोजीशन इनकी क्या बेल मेकिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में जानवी आई है, देन कंसोलेशन में रयान का नाम आया हुआ है, क्लियर। और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेटा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मैं जीत नहीं पता था बेटा, मेरे को भी नहीं पता था क्या मना था। पता क्यों नहीं था? आपके व्हाट्सएप पे मैंने सबको सेंड किया था कि आपका बेल मेकिंग कॉम्पिटिशन है, क्रिसमस का जो बेल्स होते हैं वो आपको बनाना था और उसकी पिक सेंड करनी थी। नहीं पता था तो आगे से पता रखो। और एक चीज और, जब भी आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ये चीज नोटिस होती है कि थर्ड ए बी सी, अभी आप थर्ड में पढ़ रहे हो हितेंद्र, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप थर्ड क्लास में हो, ए बी सी में सबसे ज्यादा मतलब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे कोई आया है तो वो कौन सी क्लास से आया है, तो ये चीज हमेशा नोटिस होती है, ये चीज मार्क्ड होती है, क्लियर।
तो कोशिश करना कि आपकी क्लास हमेशा आगे रहे, क्लास के अंदर से कौन फर्स्ट। आगे और भी कॉम्पिटिशन आएंगे तो उसमें आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। क्लियर? ओके मैम। तो हम स्कूल कब खुल रही है? स्कूल की याद आने लग गई क्या? यस मैम। मैं एक चीज करूंगी, मैं स्कूल जाके ना आप लोगों को स्कूल का एक वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। तो जब भी आपको स्कूल की याद आए ना तो आप स्कूल का वीडियो देख लेना कि आपके स्कूल कैसी है अभी, ठीक है मैम? कब भेजोगे? जब तो पता ही रहता है। कब भेजोगे? अभी भेज दूं? यस मैम। हम लोगों को मिलती रहती है क्योंकि हम लोगों की जो भी टीचर जाती है ना स्कूल में वो वहाँ से सेंड कर देती है कि आज कैसा है स्कूल का, मतलब एनवायरनमेंट वहाँ पे कैसा है और कितने टीचर्स हैं, वो सारा सेंड हो जाता है। चलो अभी एक फॉगी डे था, अभी दो तीन दिन पहले बहुत फॉग हो रखी थी, बहुत ज्यादा ठंड दिखाई नहीं दे रहा था। दैट डे शकुंतला मैम ने एक वीडियो बना के हम लोगों को सेंड किया, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। सो एंजॉय द स्कूल वीडियो आल्सो। ओके ओके मैम, थैंक यू। हम कब भेजोगे? आज? हाँ आज आपके होमवर्क के साथ में। मैम आपने कहा था जो रिटर्न होमवर्क आएगा ही नहीं। तो रिटर्न नहीं आएगा बट वीडियो तो आप देखोगे। जयंत होमवर्क आपके कौन से फिल इन द ब्लैंक्स? मैम वर्ड्स चैप्टर। वर्ड्स चैप्टर के वो हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आज सिर्फ आपको वीडियो ही देखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है? और स्टडी पोर्टल पे बेटा आप अपनी क्लास का नाम डालोगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल के पहले एंटर होगे, उसके बाद में स्टूडेंट पोर्टल पे जाना स्कूल की साइट खोल के, वहां से आपका स्टडी स्टूडेंट पोर्टल खुल जाता है, आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, क्लियर? और फिर अपने क्लास डाल के सब्जेक्ट डालोगे तो आपका डेली ठीक है। व्हाट हैपेंड टू मंथ? आई कांट हियर यू। क्या बात नहीं करते हम? 10:40 हो गए। चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय। नाइस डे मैम।